हेलो एंड वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मैगी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है चाइनीज सूपी मैगी। ये डिश मैगी और सूप का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही आसान है इसे प्रिपेयर करना और खाने में इतनी डिलीशियस लगती है कि बार बार आप इसे बनाना चाहेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे और तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें 2 टीस्पून फाइनली चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टीस्पून फाइनली चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे। साथ में इसमें जाएगा 1 टीस्पून फाइनली चॉप किया हुआ हरी मिर्च और इन सारी चीजों को 3-4 सेकंड्स के लिए हाई फ्लेम में हम भून लेंगे। 3-4 सेकंड्स के बाद ये हो चुका है और इससे ज्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप किया हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप किया हुआ बीन्स, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप किया हुआ कैप्सिकम्स, 2 टेबलस्पून के आसपास थिनली स्लाइस किया हुआ कैबेज डालेंगे और इन सारी चीजों को हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। वेजेस को बहुत लंबे टाइम तक हमें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने हैं, 1 मिनट सफिशियंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजेस फ्राई हो चुके हैं, इससे ज्यादा वेजेस को हमें फ्राई नहीं करना है। अब इसमें हम 3 कप या फिर अबाउट 700 ml पानी डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून शेजवान चटनी, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1/2 टीस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि सारे सॉसेस में और मैगी मसाला में भी नमक रहता है। 1/4 टीस्पून चीनी डालेंगे और अब इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए इस पानी को हम उबाल लेंगे। 2 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब इसमें हम 1 मैगी डालेंगे, 1 सैशे मैगी मसाला का डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम में मैगी पूरी तरह से कुक होने तक हम इसे पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहिएगा। कुछ ही मिनटों में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगी पूरी तरह से पक चुका है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। फ्रेशली चॉप किया हुआ धनिया का पत्ता थोड़ा सा डाल देंगे। रेडी हो गया हमारा बहुत ही डिलीशियस चाइनीज स्टाइल सूपी मैगी। गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। एक बार जरूर इस डिफरेंट तरीके से मैगी बना के ट्राई कीजिए और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किचन अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।